हे दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर लोग फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड या रियल एस्टेट में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक और टाइप भी होता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग, फंड का मतलब होता है पैसा। सो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव से पैसा लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। इस म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है मार्केट से, मतलब डेब्ट या इक्विटी मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना। अब ये सारे लोग मार्केट से पैसा कमाना चाहते तो हैं, बट इसके लिए इनके पास ना ही टाइम होता है और ना ही प्रॉपर नॉलेज होती है। तो ऐसे में वो जाते हैं AMC के पास, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास। तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो एक क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल पर्सन होता है, जो इन इन्वेस्टर्स की तरफ से मार्केट में यानी कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉरपोरेट डिपॉजिट्स एट्सेट्रा में पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है जो कि डिपेंड करता है उसके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, यानी इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क है या ज़्यादा रिस्क है, एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन पे यानी कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स। सो आपको अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड टाइम होराइजन के हिसाब से कोई ना कोई म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में ज़रूर मिलता है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स पाए जाते हैं, इक्विटी, डेप्ट एंड बैलेंस्ड। इक्विटी होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क कैपेबिलिटी वाला होता है एंड वो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना चाहता है। सो रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वहीं डेप्ट होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कम रिस्क कैपेबिलिटी वाला होता है एंड वो एक सेफ साइड में रहना चाहता है भले ही उसको कम प्रॉफिट हो। लेस रिस्क है तो प्रॉफिट रेशियो भी लेस होता है। एंड बैलेंस्ड होता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो दोनों इक्विटी एंड डेब्ट का मिक्सचर चाहते हों। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।